आज उत्तर प्रदेश जवारठार पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ विमान बंदर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। प्रधानमंत्री देशर सबुठ बड़ विमान बंदर भित्तिप्रस्तर स्थापन हेबो एथिपाई से विमान बंदर पहुंची सारी। विमान बंदर एशिया महादेशर बृहत विमान बंदर भितर स्थान पाइब। विभागीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाबद तथ्य देते जवार उत्तर प्रदेश दशतम विमान बंदर हेबो जहां राज्य समेत पूरा देशर विकास हेबो सहायक। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। वास्तव में आज उत्तर प्रदेश में एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से निर्मित किया जाने वाला ये एयरपोर्ट जो अपनी विशेषताओं के माध्यम से भारत में अधिक आलोचना करबा। न्यूज रूम रे मोर सहयोगी निहारिका नंद अछंती अधिक आलोचना पाई। निहारिका, रोजगार क्षमता बढ़ाइबा पाई ए विमान बंदर केते अधिक गुरुत्वपूर्ण एवं राज्य पाई तो गुरुत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश पाई तो गुरुत्वपूर्ण, देशर विकास रे यहा किभळे एक फर्द जोड़िबो बोली आमे कहिबा। निश्चिंत भावरे जेमती आमे देखि सारलेनी जे बर्तन प्रधानमंत्री पहुंच जाइछंती जोटा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवार ठारे से बर्तन भित्तिप्रस्तर करिबे। सबुठारु बड़ कथा होची उत्तर प्रदेश रे जेवार एयरपोर्ट आज जोटा भित्तिप्रस्तर करिबे प्रधानमंत्री सेटा होची फिफ्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोटा कि भारतर सबुठारु गोटे को स्टेट रे एते गुड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हबार इतिहास रे प्रथम। ता छड़ा सबुठ बड़ कथा कही रखुची बर्तन स्मृति लग्न एशिया रे सबुठ बड़ एयरपोर्ट होगा जाऊँगी जेवार एयरपोर्ट। वर्तमान पई आपण सेहितरु आकलन करंतु जे अर्थनीति को देखंतु बा विकास को देखंतु केवल उत्तर प्रदेश नुए भारत पई आज जो जेवार एयरपोर्ट जेवार ठारे जो भित्तिप्रस्तर करुछन्ति प्रधानमंत्री एटा कंप्लीटली एशिया सम्मुखरे बा निश्चय भाबरे पूरा विश्व समुदाय सामनारे बहुत बड़ा फोकस रखिबो समस्तक नजर रे आसिबो। कारण एशिया रे आमे जेमती जानिचे पूर्वरु आपण बेजिंग एयरपोर्ट कोहंतु बा दुबई एयरपोर्ट कोहंतु बा दिल्लीर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कथा कोहंतु एटा ही सबुठारु बड़ा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट थिला। किंतु वर्तमान समय रे प्रधानमंत्री जेवार ठारे वर्तमान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठारे यमुना एक्सप्रेस वे पाखरे जो एयरपोर्ट आज भित्तिप्रस्तर करुछंती ताहा एशियार सर्वश्रेष्ठ बड़ एयरपोर्ट हवाकु जाउची। जेमिति आपण कहिले रोजगार क्षमता कथा कहंतु जदि आपण कहिबे उत्तर प्रदेश रो विभिन्न अंचल को एटा कनेक्ट करिवो केवल उत्तर प्रदेश नुए पूरा भारत रो 80 जागा को कनेक्टिविटी को बढ़ाइबो। ता सहित रोडवे कथा कहंतु रेलवे कथा कहंतु सब दृष्टि रे कनेक्टेड हेबो ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ता छड़ा प्रति वर्ष 1 कोटी लोक एथिरे पैसेंजर जाई परिबे एटार आकलन करा जाइछि आउ अकॉर्डिंगली डिजाइन मध्य करा जाइछि जोटा कि बाहर रो कोनोसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कथा कोहंतु आपण यूएस रो जेमती हिथ्रो एयरपोर्ट कथा कोहंतु से परि डिजाइनिंग करा जाइछि ता से हिसाब रे आपण जे कोनोसी भाव रे कोनोसी पेशेंट बा एल्डरली लोक जो माने पैसेंजर माने बहुत सुविधा रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रो जाई परिबे जोटा कि भारत रे प्रथम थर करा जाउची। आउ जेमिति कहुतिले रोजगार क्षमता कथा बा अर्थनीति रो सुधार कथा जदि कहबा उन्नति कथा कहबा अभिवृद्धि कथा कहबा केवल उत्तर प्रदेश रे वर्तमान पई कि आमे निकट रे देखिथिले जो एक्सप्रेस वे रे उद्घाटन करथिले प्रधानमंत्री ता मध्य निश्चिंत भाबरे सबुठारु लॉन्गेस्ट थिला जोटा कि ता पाखापाखि जो व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र कथा कहंतु से सब अभिवृद्धि घटिबार थिला। किंतु वर्तमान पई जेपरि भाबरे वर्तमान जेवार ठारे जो एयरपोर्ट रो भित्तिप्रस्तर करुछंती जोटा कि कुहा जाउची जदि वर्तमान ठारु आरंभ हबो 2024 रे एटा निश्चिंत भाबरे शेष हेउची। ता भितरे निश्चिंत भाबरे आखपाख अंचल रे व्यवसाय क्षेत्र कथा कहंतु बा अन्यान्य जागा जो गुड़िक कनेक्टेड करिवो ए प्लेस को से सबु अर्थनीति दृष्टि रु बा जो माने अछंती जो लोक माने एथिरे निश्चिंत भाबरे काम करिवे समस्तक पई रोजगार क्षमता बहुत भाबरे बढ़ाइबो। ता छडा एटी कहा जाउ जे पंचम एयरपोर्ट मु जेमती कहली उत्तर प्रदेश रे एटा फिफ्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हबो। ता पूर्वरु लखनऊ वाराणसी कि कुशीनगर रे इवन अयोध्या रे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आरंभ होई छी ता भी जोरसोर चली छी। तो निश्चिंत भाबरे कहि परिबा जे भारतर कोनोसी एक राज्य बा कोनोसी एक प्रदेश रे एपरि इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिफ्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हबारे एटा हेबो हाईएस्ट बोली कहा जाई परिबो।
ଯାହା ଛଡ଼ା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଶୁଣିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏଭିଏସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କାଲି ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେବଳ ଗମନାଗମନ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଉଡ଼ାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଡ଼ାନ ହାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଉଡ଼ାନ ହାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଭାରତର ଉଡ଼ି ପାରିବେ ଆଉ ସହଜରେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଦେଖି ବା ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେମିତି ହାଇୱେର ସଂକଳ୍ପ ହାଇୱେ କଥା ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବ, ଏସିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିହାରିକା, ଆମେ କହିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଉପଲବ୍ଧି, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ, ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶ, ତେଣୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋଦି ସରକାର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ବିକାଶ କଥା, ଏଭିଏସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହନ୍ତୁ ବା ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଇଏ ସହାୟକ ହେବ, ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିହାରିକା ନନ୍ଦ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଖବର ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।